एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे कपड़े फैलाने से। तो मॉर्निंग में जो है ना कपड़े लगाए थे उन्हीं को बस यहाँ पर डालने आ गई थी। बट उससे पहले, जैसे शाम में ना अभी बारिश वगैरह होती है ना, तो सूखते नहीं हैं कुछ कपड़े, तो वही कपड़े जो है ना स्टैंड पर थे। तो सबसे पहले बस जो ये कपड़े कल शाम के थे ना, ये अब सूख गए थे, तो इनको उतार कर मैं रख दूँगी अंदर। और उसके बाद जो नए धुले हुए कपड़े मैं लेकर आई थी ना, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। कपड़े वगैरह डाले और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो लास्ट वीडियो में आपने मतलब देखा ही होगा कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड को जो है ना बुखार आया हुआ है। तो बुखार आए हुए मतलब 2 दिन हो गए थे, और मतलब जो फीवर है ना वो 102 103 से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर हमें भी ना थोड़ी सी टेंशन हो गई, और हमने फिर जो है ना ट्यूसडे के दिन टेस्ट कराया। तो ट्यूसडे की रात को 10:30 बजे जो है ना रिपोर्ट आई, मेरे ही फ़ोन पर आई थी। और जैसा मतलब मैं सोच रही ना, जिसका मुझे डर था वही रिपोर्ट में आया। तो हिमांशु को जो है ना डेंगू हो गया था। और जैसे 10:30 बजे रिपोर्ट आई ना, तो मैं तो मतलब उस टाइम पर ब्लैंक हो गई थी। मुझे मतलब इतनी टेंशन हो रही थी ना कि डेंगू का तो नाम सुनकर ही ना थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, और फिर ये है कि हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट कराना पड़ेगा, ये सब कुछ ना मेरे माइंड में चल रहा था। और मुझे ना बिल्कुल भी नींद नहीं आई रात को। और फिर मैंने हिमांशु से भी बोला, तो उन्होंने बोला कि टेंशन क्यों ले रही हो, सुबह में जो है ना डॉक्टर को दिखाएंगे और कंसल्ट करेंगे। तो फिर रात में जैसे तैसे मैं सोई, और सुबह उठते ही जो है ना मैंने हिमांशु को सबसे पहले बोला कि आप ना डॉक्टर से बात कर लीजिए। तो उन्होंने बात करी, डॉक्टर ने कहा कोई भी ऐसी मतलब घबराने की बात नहीं है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको जो है ना लिक्विड ज़्यादा पीना है, साथ ही साथ जो है ना मतलब पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, और कोई भी मतलब तला भुना खाना वगैरह नहीं खाना है, हल्का खाना ही खाना है। तो इस तरह से बस आज के जो है ना मेरे दिन की शुरुआत हुई थी। और मैं जो है ना डुगू को छोड़कर जैसे आई थी, तो आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस टाइम पर। और तब तक जो है ना हिमांशु की दवाई भी मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ गया था, तो मैं वो भी लेकर आई थी। बारिश में ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिस टाइम वो स्कूल गया, और जैसे ही मैं उसको छोड़कर आई ना, उसके 5-10 मिनट बाद ही जो है ना बारिश रुक गई थी। मेडिसिन वगैरह लेकर आई, और फिर हिमांशु ने अपनी दवाई खाई और वो सो गए थे। तो आकर जो है ना मैंने सबसे पहले उनके लिए जूस बनाया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ना कि लिक्विड चीज़ें आपको पीनी है, जैसे नारियल पानी हो गया, जूस हो गए, ये सब। तो नारियल पानी ना मुझे नीचे मिला नहीं, तो फिर आने के बाद मैंने उनके लिए अनार और मौसमी का जूस उनको बनाकर दिया था। साथ ही साथ क्या हुआ कि आज मेरी हाउस हेल्पर ने भी छुट्टी ले ली थी, जिसकी वजह से जो है ना एक तो होता है ना मेंटली प्रेशर, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, और दूसरा फिर घर के काम भी थे, तो इस वजह से ना मतलब सारे काम आज लेट होते चले गए। एक तो डुगू की बस लेट आई बारिश की वजह से, 15 मिनट लेट थी, और फिर आने के बाद मुझे घर को भी देखना था। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि रात के बर्तन भी थे और जो सुबह नाश्ता वगैरह बना था वो तो थे ही। तो हिमांशु ने तो जूस तो बहुत थोड़ा ही पिया था, और वो जो मशीन थी ना वो मैंने धुल कर रखी। सुबह में मैंने डुगू को नाश्ते में दी थी इडली और सांभर बनाकर दिया था उसको, और वही मैंने खा लिया था। तो बर्तन यहाँ पर हो गए थे साफ, फिर उसके बाद मैंने सिंक एरिया को अच्छे से वाइप ऑफ कर दिया था, अच्छे से धुलवुल दिया था, ऐसे कि मतलब एक बार मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं आराम से अपने घर के और काम करती रहूँगी। किचन क्लीन हो जाती है ना तो लगता है कि आधा घर क्लीन हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसी भी जो है ना हमारी किचन ही होती है मॉर्निंग में, तो स्पेशली मेरी तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। तो फिर बस किचन का मेरा क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद मैंने दूसरा लोट भी लगाया था, बेडशीट वगैरह थी, जैसे कि हिमांशु जो बेडशीट ओढ़ते हैं ना, तो वो जब उन्हें स्वेटिंग होती है ना तो वो सारी भीग जाती है, तो हर मतलब हर दिन जो है ना वो बेडशीट भी वो धुलवा देते हैं, क्योंकि उसमें से फिर स्मेल आती है ना,
और उसको ओढ़ना भी अच्छा नहीं है, तो मैंने दूसरा लोट लगाया था बेडशीट को वॉश करने के लिए, वो भी धुल चुका था, तो उनको फैलाकर मैं आ गई थी फिर से अंदर। और अब जो है ना, मैं घर में पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने से पहले जो भी सामान फैला हुआ था, जैसे डुगू स्केटिंग सीख रहा है तो उसके वो मतलब बच्चों को ना कितना भी बोलो आप, मैं उसको इतना बोलती हूँ कि अपनी चीज़ें बेटे अपने प्लेस पर रखा करो, बट वो भी ना बहुत थक कर आता है, मतलब वो इतना पसीने में भीग कर आता है ना स्केटिंग करने के बाद, तो फिर मैं भी ज़्यादा उसको नहीं बोलती, तो वो यहीं सोफे पर रख देता है अपने सारे जो भी उसकी स्केटिंग का सामान होता है जैसे हेलमेट वगैरह, और वो भी ना मतलब थोड़े पसीने में रहते हैं, तो मैं यहाँ हवा में छोड़ देती हूँ। तो वो सब रखा, फिर सोफ़े वगैरह को थोड़ा सा मैंने ठीक किया, और फिर मैंने जो है ना झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी। साथ ही जो है ना बारिश तो रुक गई थी, और ये जो मैं छाता लेकर गई थी ना, ये भी सूख गया था, इसको मैं फोल्ड करके इसके प्लेस पर रख दूँगी। जो भी चीज़ें मतलब इधर उधर है ना, वो सब मैं प्लेस पर रख कर आराम से जो है ना फिर पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। तो एक बार तो झाड़ू जो है सबसे पहले उठने के बाद में लगाती हूँ सुबह में, तो तब भी मतलब कचरा घर का निकल ही जाता है। और हाउस हेल्पर ना मतलब इतने अच्छे से काम नहीं करती हैं जितना कि आप अपने घर को करते हैं, तो इस बहाने से चलो एक ये भी होता है कि आप अपने घर को अपने हाथों से अच्छे से क्लीन कर पाते हो। तो मैंने यहाँ पर बस अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली थी, और फिर जो है ना बीच बीच में मैं हिमांशु को भी जाकर देख रही थी कि उनका फ़ीवर वगैरह उतरा है या नहीं, और मतलब ये सब भी मेरे साथ चल रहा था। तो मेरे काम ना आज बहुत लेट हो गए थे, 9 बजे, तो ना 9 बजे के बाद जो है ना आज तो मैंने नाश्ता किया था, नहीं तो मेरा जो नाश्ता है ना वो 8:30 से 9:15 बजे के बीच में हो जाता है। आज नाश्ता करते करते मुझे 9:15 बज गए थे, क्योंकि 8:40 पर तो डुगू की बस ही आई थी आज, और फिर मैं दवाई वगैरह लेकर आई तो आते आते मुझे 9 ही बज गए थे। और बस फिर जो है ना मैंने अभी आज ना मैं किचन को थोड़ा सा धुल ली थी, जैसे सुबह में जूस वगैरह बनाया था ना, तो जो जूस वाली मशीन है ना वो मेरे काउंटर टॉप पर अगर मैं रखती हूँ तो जो ऊपर वाली कैबिनेट है ना उसमें वो टच होता है, और जिसकी वजह से अच्छे से जूस नहीं निकलता। तो फिर मैंने ना जूस जो बनाया था वो नीचे बैठ कर बनाया, तो पूरी किचन में ना मतलब कहीं कहीं पर जूस गिर गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज काफ़ी दिन भी हो गए हैं तो अपनी किचन को ना मैं वॉश कर देती हूँ, और इसमें ना थोड़ा हार्डली 2 से मतलब एक जो मेरा वो कूड़े वाला बॉक्स है ना वो 1 या 2 लगते हैं सिर्फ इसको धुलने में, बट इतनी शाइन आ जाती है ना धुलने के बाद। तो यहाँ पर बस मैंने फिर वाइपर लगा दिया था, और बालकनी भी जो है ना मैंने वाइपर से अच्छे से साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पर मेरा ये वाला काम हो गया था, और फिर मुझे पूरे घर में लगाना था पोछा। तो अभी आप देख रहे होंगे जो सुबह में मैंने कपड़े हटाए थे ना स्टैंड पर से, वो अभी यहीं पर रखे हैं, क्योंकि तब से मुझे टाइम नहीं लगा। तो पहले ना मैं सोच रही थी कि पहले जो है घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, और ये कपड़े तो जो है ना मैं बाद में फोल्ड कर लूँगी। तो बस फटाफट से मैंने पूरे घर में अच्छे से जो है ना रगड़ रगड़ कर जो है अच्छे से मोपिंग कर दी थी, और मोपिंग वगैरह करने के बाद मैं बीच बीच में जैसे हिमांशु से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो है ना अनार तुम दे दो। तो वो तो ये अच्छा हुआ, मैं इस बार जब संडे गई थी ना सब्जी मंडी, तो डुगू को भी ना अनार बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ से अनार लेकर आ गई थी। तो वो काफ़ी बड़े बड़े अनार थे, 2 अनार थे, तो एक आधा अनार तो डुगू आज स्कूल लेकर गया था, और हाफ़ का मैंने हिमांशु को जूस बनाकर दे दिया था। अभी बस घर में एक ही अनार था, तो अभी जब मैं डुगू को लेने जाऊँगी तो अनार भी लेकर आऊँगी। वो जो एक अनार था वो मैंने हिमांशु को छील कर दिया, उन्होंने वो खाया थोड़ा सा, क्योंकि जूस जो है ना इतना निकल नहीं पाता है। और फिर अब जो ये क्लिप है ना ये थी लंच की। तो यहाँ पर हिमांशु के लिए तो मैं दाल बना रही थी, जो मूंग की दाल होती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ही था कि बिल्कुल आपको जो है ना मिर्च मसाले वाला नहीं खाना, ना तला भुना खाना है। तो मैंने ना बस इस दाल में जो है हल्दी डाली थी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और नमक, बस मतलब एक सूप टाइप का मैं बना रही थी। दूसरी साइड जो है ना मेरा और डुगू का खाना बन रहा था। तो जैसे मैंने बताया ना आज मेरा काम बहुत लेट चल रहा था, तो यकीन मानिए आज जो है ना मैं नहाकर ही 12:15 बजे आई थी, और फिर आते ही जो है ना मैं सीधा किचन में आई, और यहाँ पर ना बस मैंने 1 पॉट मील बनाया था, तो मटर वाली जो पीले चावल बोल सकते हैं आप या पुलाव, वो मैंने आज अपने और डुगू के लिए बनाया था। गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? तो अभी गाइस बज गए हैं 12:30, तो 9 बजे बजने वाले हैं, और मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में,
आज मेरा जो है ना सारा काम लेट हो गया, क्योंकि जो है क्योंकि हाउस हेल्पर ने जो है मना कर दिया था सुबह। और फिर जैसे कि आपको पता है ना, मैंने अभी बताया कि हिमांशु को जो है ना डेंगू आया है, तो सुबह मैं डुगू को छोड़ने गई, पहले तो उसकी बस लेट आई 15 मिनट, उसके बाद मैं मेडिसिन वगैरह लेने गई हिमांशु के लिए जो डॉक्टर ने बताई थी, और मैं जो है ना नारियल का पानी भी लेने गई थी जो नारियल आता है, बट वो ना क्योंकि बारिश हो रही थी उस टाइम बहुत तेज़, तो वो मुझे नहीं मिला। अभी देखूंगी जब दोबारा जाऊंगी, और तो इसलिए ना मैं 9 बजे तक तो घर ही आ पाई। फिर मैंने हिमांशु के लिए अनार और जो है मौसमी का उनको जूस बना कर दिया। तो इस सब में ना मतलब बहुत सारा काम फैल गया, और फिर रात के बर्तन थे, सुबह के थे, मैंने जैसे आपको दिखाया, तो इस वजह से सारा काम लेट हो गया, और मेरे भी सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। और मैंने जो है ना अपने लिए तो आज सिंपल सा खाना बनाया है, और देखिए कुकर में ना विसल आने वाली है। तो इस छोटे वाले कुकर में तो हिमांशु के लिए दाल बन गई है, बड़े वाले कुकर में मेरे और डुगू के लिए 1 पॉट मील है, मतलब जो वो होती है पीली खिचड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, पुलाव बोल सकते हो आप, वो बन रहा है। तो हिमांशु से मैंने पूछा था ना, तो वो तो कुछ खाने के लिए मना ही कर रहे थे, कि मेरा ना बस पीने का थोड़ा मन है। तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए ना हल्की सी मूंग मसूर की दाल बना देती हूँ। हमारे यहाँ पर ना जैसे किसी की तबीयत ख़राब होती है तो ये हरी मूंग जो होती है ना उसकी दाल, और जो लाल वाली मसूर होती है उसकी दाल जो है ना वो मिक्स करके बनाते हैं। तो मैंने वही बनाई है, थोड़ी सी लिक्विडी, जिससे कि वो इजीली पी सके। और डॉक्टर ने बोला है कि मतलब आपको जो है ना मिर्च मसाले वाला तेल वाला खाना नहीं खाना है, तो इसलिए बस उनके लिए जो है ना हल्का फुल्का ही खाना मैं बनाऊंगी। अभी बस खाना बन जाएगा तो मैं जाऊंगी फिर डुगू को लेने, और कुछ मुझे जो है नारियल पानी फ्रूट्स वगैरह भी लाने हैं नीचे से। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी जो है ना बस मैं डुगू को लेकर आ गई थी, साथ ही साथ मैं हिमांशु की कुछ मेडिसिन थी वो लेकर आई और अनार लेकर आई थी। तो उन फ्रूट वाले भैया पर ना नारियल पानी नहीं था, सुबह तो उनकी शॉप खुली ही नहीं थी और अब उनके पास था नहीं। तो मैंने उन्हीं से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ना सोसाइटी के दूसरी साइड जो है ना रोड है वहाँ पर एक बैठता है, तो आप वहाँ से जाकर ले आइए। तो फिर मैं डुगू को लेकर गई, और हमें आने जाने में ना वहाँ तक कम से कम 15 मिनट से भी ऊपर ही लग चुके थे। और मैं 4 नारियल एक साथ लेकर आई थी, तो मेरे ना हाथ भी दुखने लगे थे। और फिर भी देखिए जो नारियल आए थे ना, इतने घटिया नारियल थे ना, एक में तो पानी ही नहीं निकला, बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं था। और जो 3 और थे ना, उनमें सड़ा हुआ पानी था, मतलब जब मैंने उनको खोला ना तो उनमें बदबू आ रही थी भयंकर। तो मेरे तो चारों के चारों नारियल ना ख़राब गए। और फिर जब एक में पानी नहीं निकला था ना, तो फिर मैंने तभी जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर करा लिए थे। तो OTP से ना डेली हमने 2 नारियल, मतलब जो पैकेज था ना उसमें 2 नारियल लगा दिए थे। तो अब डेली जो है ना घर पर सुबह ही 2 नारियल आ जाते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, उनमें पानी भी काफ़ी अच्छा निकल रहा है। जैसे कि वो लेकर आई थी मैं, प्राइस में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मतलब ऑनलाइन भी उतना ही मिल रहा था जितना कि उन भैया ने मुझे दिया था, बट पानी जो है ना उनमें काफ़ी अच्छा था जो हम OTP से मंगा रहे थे। तो ये सब था। और फिर जो है ना शाम के काम मेरे स्टार्ट हो गए थे, हिमांशु को पानी दिया, उनको प्यास बहुत लग रही थी तो पानी काफ़ी पिया जा रहा था, और ये एक तरह से अच्छा भी था। तो मैंने उनको पानी दिया, और फिर डुगू की यूनिफॉर्म पर मुझे आयरन करनी थी। साथ ही जब मैं आज दोपहर में चाय बना रही थी ना, तो मेरी जो चाय थी ना वो उबल गई थी, तो तब तो मैंने गैस क्लीन नहीं की थी, क्योंकि ऐसे ही मैं कामों में लग गई थी। तो अब मैंने वो गैस क्लीन की, और बाहर का वेदर जो है ना मैं आपको भी दिखाती हूँ, इतना अच्छा वेदर हो रहा था ना शाम के टाइम, पूरा ये ना ऑरेंज रेड हो रहा था, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी रिकॉर्ड करके ये दिखाऊं। और डुगू अभी गया हुआ था नीचे खेलने के लिए। तो अभी जो है ना, जैसे मैंने बताया कि जो हिमांशु को बुखार है ना वो 102 या 103 से नीचे नहीं हो रहा था अभी तक भी। तो मतलब हमें ना बस बुखार को लेकर थोड़ी सी टेंशन थी, वॉमिटिंग वगैरह उन्हें कुछ नहीं हो रही थी। और दूसरी बात ये अच्छी थी कि वो लिक्विड काफ़ी ले रहे थे, मतलब मैंने देखा है, वरना जैसे मेरे भाई को भी हुआ था डेंगू, मेरे पास ही था वो उस टाइम, वो तो कुछ भी लिक्विड नहीं पीता था, तो तब उस केस में जो है ना आपको एडमिट कराना ही पड़ता है। बट थैंक गॉड कि हिमांशु खुद से जो है ना काफ़ी लिक्विड ले रहे थे, चाहे वो कोकोनट नारियल, सॉरी कोकोनट हो, और चाहे मतलब डॉक्टर ने ORS का
का घोल बताया हुआ था और चाहे वो सिंपल पानी हो। बट फीवर इतना तेज़ था ना कि बॉडी जो है ना पूरी अकड़ रही थी। तो हम क्या करते थे, टाइम टू टाइम मैं या डुग्गू, हम दोनों में से कोई भी जो है ना उनके पैर दबा देते थे। डुग्गू से जितना हो पाता था, वो बेचारा भी ना जितनी देर उससे हो पाता था वो पैर दबा देता था, और मैं भी उनके टाइम टू टाइम हाथ पैर सब दबा रही थी, जिससे कि जो वो अकड़ाहट है ना वो थोड़ी कम हो जाए। और अब यहाँ पर देखिए तैयारी होने लगी थी डिनर की। तो आज डुगू की फेवरेट सब्ज़ी भिंडी बन रही थी यहाँ पर, और भिंडी ना आज मैंने कुछ अलग शेप में काटने की सोची, इस तरह की ट्रायंगल की। और आपने ना ये नोटिस किया होगा, जब भी हम सब्ज़ी या कुछ भी चीज़ों किसी अलग शेप में कट करते हैं ना, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मैंने आज ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करके देखी कि चलो देखते हैं क्या, मतलब देखने में तो सुंदर लग ही रही थी और खाने में भी अच्छी लग रही थी। तो मैंने ट्रायंगल शेप की कट की, और जब डुग्गू ने देखना तो वो भी काफ़ी खुश हो गया कि मतलब आज शेप जो है ना बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इस तरह से भी जो है ना एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, बच्चे खुश हो जाते हैं। वैसे तो डुग्गू को जो है ना भिंडी उसकी ऑल टाइम फेवरेट है, आप उसे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खिला सकते हैं। अपने लिए तो हमने भिंडी मैं यहाँ पर बना रही थी, हिमांशु से पूछा मैंने तोरी के लिए, तो तोरी तो उन्होंने मना कर दी कि तोरी मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर कहा कि तुम ना ऐसे करो, मूंग की दाल की जो है ना मेरे लिए खिचड़ी बना दो, थोड़ी लिक्विड सी। तो मैं यहाँ पर उन्हीं के लिए बस खिचड़ी मैंने बननी रख दी थी, और यहाँ पर मेरी भिंडी वाली जो प्याज थी ना वो फ्राई हो गई थी। और मैंने अपने ये, जब से मैंने ये वाला पैन मंगाया है ना, सच में मतलब इसमें जो ये सूखी सब्जियाँ होती हैं ना इतनी अच्छी बनती हैं। तो मैं ना जिस दिन से आया ना मैं सारी सूखी सब्जियाँ इसी में बनाती हूँ। एक दिन मैंने इसमें शिमला मिर्च बनाई थी, और आज भिंडी बना रही हूँ, और एक दिन वो आती है ना गोल गोल छोटे से कुंदरू बोलते हैं आई थिंक, वो बनाई थी। तो सारी सब्जियाँ ना ही काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो सब्जी बनने के लिए मैंने छोड़ दी थी, और फिर डुग्गू आया था ना स्केट करके, तो वो पसीने में भीग रहा था, उसके कपड़े चेंज करने के लिए दिए मैंने, और फिर से मैं किचन में आई। तो इस टाइम पर जो भिंडी है ना वो ऑलमोस्ट रेडी ही हो गई थी, थोड़ी सी ही बची थी। तो अभी जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर देती हूँ, तो उससे जो है ना भिंडी क्या होती है जो लिसलिसी सी होती है ना वो नहीं होती है। तो खिचड़ी भी बन गई थी, भिंडी भी यहाँ पर बस रेडी थी। उसके बाद जो है ना मैंने आटा लगाकर रोटियां बनानी स्टार्ट की, और सबसे पहली प्लेट में यहाँ पर डुग्गू की लगा रही हूँ, क्योंकि भिंडी देखकर ना उससे मतलब कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर आज की हमारी डिनर थाली में थी भिंडी, और साथ में मिक्स्ड आटे की रोटी और खूब सारा सैलड। तो ये तो थी डुग्गू की प्लेट, और फिर मैंने हिमांशु को भी जो है ना खिचड़ी और दही दी, तो दही के साथ ना उन्हें खिचड़ी थोड़ी सी अच्छी लगी। दोपहर में जो मैंने दाल बनाई थी ना वो उन्होंने सिर्फ एक या दो स्पून ही पी, उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुँह का जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ख़राब हो जाता है इतने तेज़ फीवर में। तो बट खिचड़ी जो है ना उनको अच्छी लगी, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा। डिनर वगैरह हो जाने के बाद बस वही डाइनिंग टेबल वगैरह थोड़ा सा ठीक करना। डुग्गू को भी जो है ना सर्दी जुखाम हो रखा है, तो उसको भी जो है ना मुझे दवाई वगैरह देनी थी। और यहाँ पर मैंने डुग्गू को बोला कि चलो भगवान जी को प्रणाम करके जो है ना मंदिर की लाइट बंद कर दो। हेलो एवरीवन, तो अभी जो है ना रात के 8:30 बज गए हैं, और सारा काम हो चुका है, डिनर वगैरह सब। और अब जो है मैं डुग्गू का बैग पैक करा रही थी, जो उसका जो है कल स्कूल में जाएगा। और मुझे भी थोड़ी सी जो है ना अपनी तबीयत, मतलब तबीयत का मेरे ना सर में दर्द हो गया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ना वीकनेस मुझे लग रही है। और अभी मुझे डुग्गू को दवाई देनी है, इसकी भी सर्दी जुकाम की जो है मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, तो बस ऐसा कुछ है। और हिमांशु भी जो है ना सो चुके हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद ना आज मैंने उनके लिए, जैसे कि मैंने बताया, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, तो वो सो गए हैं दवाई वगैरह लेके। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और आप सब भी जानते हैं डेंगू में कितनी वीकनेस आ जाती है। तो ये सब कुछ है, और बस अब हम जाएंगे सोने। तो डुग्गू बाय कर दो, मुंह से भी बोल दो बाय। तो बस चलिए, आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रे कीजिए कि जल्दी से हिमांशु ठीक ठाक हो जाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।